आज का पहला प्रश्न होगा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आपके पास चार ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, अगर आपको उत्तर आता है तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर दो देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्यास। नंबर तीसरा देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर महानदी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन भी अच्छे से देखने हैं, जो विकल्प दिए होंगे उनको भी अच्छे से आपको देखने होंगे, ठीक है। नंबर चौथा देखेंगे, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? नंबर चौथा राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन से। नंबर पांचवा देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? नंबर पांचवे का बताइए। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली। नंबर छठा, साबूदाना किससे बनाया जाता है? नंबर छठे का बताइए, साइवस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नंबर सातवां, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? नंबर सातवें का मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट होगा। नंबर आठवां, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? चिल्का झील, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा, चिल्का झील। नंबर नौवां, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? नंबर नौवां सेट शेर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा, नौवें का। नंबर दसवां, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? नंबर दसवां राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली। नंबर ग्यारहवां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? नंबर ग्यारहवें क्या बताइए? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजंता। नंबर बारहवां, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आप जीके वीडियो, करंट अफेयर जैसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो स्टूडेंट ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। नंबर 13वां देखेंगे, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? 13वें का मणिपुर, ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट होगा, मणिपुर। नंबर 14 देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? लोकटक, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, लोकटक। नंबर 15वां देखेंगे, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? नंबर 15वां राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली। नंबर 16, मदर टेरेसा नामक पुस्तक किसने लिखी है? नवीन चावला, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा।
नंबर 18वां अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? नंबर 18वें का एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नंबर 19वां देखेंगे, मार्शल के वर्गीकरण के अनुसार उत्पादन के साधन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? ये सभी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। फटाफट देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल मिस मत कीजिए कि भी क्वेश्चन। नंबर 20, मार्शल के वर्गीकरण के अनुसार, तो यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन दोनों सेम हो गए हैं दोस्तों, देख लेते हैं। ठीक है, 19 और 20 दोनों सेम है, तो इसमें भी ये सभी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे सीमांत उपयोगिता है, इसको नंबर 21 कर लेंगे हम लोग। यहाँ 20 हो गया क्वेश्चन, इसके सॉरी 21वां इसको बोलेंगे हम। सीमांत उपयोगिता है कुल उपयोगिता की परिवर्तन दर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। नंबर 22 देखेंगे, सीमांत उपयोगिता हास नियम का प्रतिपादन किसने किया था? नंबर 22 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरमैन हेनरिक गैसेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नंबर 23, जे बी से का बाजार नियम लागू होता है, मुद्रा विनिमय दर पर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नंबर 24, किन्स द्वारा दिया गया सामान्य सिद्धांत आधारित है? नंबर 24, मनोवैज्ञानिक उपयोग कार्य पर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नंबर 25, गुणक के सिद्धांत की मान्यता है अर्थव्यवस्था का बंद एवं गत्यात्मक स्वरूप, ऑप्शन नंबर आपका बीस में राइट होगा। नंबर 26, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, बढ़ जाते हैं। नंबर 27, जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से स्फीति उत्पन्न हो जाती है तो इसे चलन स्फीति के नाम से पुकारते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नंबर 28, आर्थिक विकास के लिए मुद्रा स्फीति आवश्यक होती है, कथन है? कुछ सीमा तक सत्य, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। नंबर 29, फिलिप्स वक्र को विकुचित आकार के वक्र के रूप में किस सत्र अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? नंबर 29 का बताइए, किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? नंबर 29 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी होगा, यहाँ सी, तो इसमें बी कर लेंगे, टॉबिन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा इसमें, टॉबिन। नंबर 30 देखेंगे, मंदी के समय वांछित है घाटे का वजन, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट होगा। तो दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट सवाल में से आपने कितने का आंसर सही किया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपने अभी तक स्टूडेंट ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को आप जरूर दबाइए। धन्यवाद।